तो क्या इसमें देखो क्या कुछ नहीं, बाकी तो ये देखो ये तो फ्रेम बनी हुई है, नॉर्मल सी फ्रेम 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 ही तो है। बाकी ये जो आ रहा है, ये जो लाइन्स आ रहा है, ये आप लाइन से बना सकते हो इसको, फिर कॉपी 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 करना सबके सब। तो चलो ये तो कह लो, तो चलो फ्रेम बनाया है और ये भी फ्रेम ही बनाया है, तो ये फ्रेम ही है नॉर्मल सा, ये तो फ्रेम। तो आप बस आपको शायद से इसका प्रॉब्लम हो रहा होगा कि ये ऐसा कहो कैसे किया, ऐसे ये राउंड कैसे किया, तो ये चीज़ें बोल रहे हो, तो इसको ना आप लाइन से कर सकते हो। जैसे कि समझ लो आपका ये जो भी है जहाँ पर आपको उसको करना है, ठीक है, तो आप लाइन ले लो। लाइन में हमको क्या मिलता है, एक तो हमारे पास रेक्टेंगुलर होता है, जैसा जो भी साइज़ पे आप बना रहे हो, जो भी साइज़ पे आपको करना है वो साइज़ पे आप ले लो, ठीक है। और इधर पे नीचे चलो सर्कल हो जाएगा, सर्कल या ओवल इसको करना है तो ओवल भी कर सकते हो। ओवल के लिए देखो आपको इधर पे एक और मिलता है, एलिप्स टाइप का ऐसा कुछ मिलता है, और इसके साइज़ का अगर मैं इसको भी कर लूँ ऐसा कुछ, ठीक है। अभी इसको बोल रहे कि इसको राउंड करना है अभी मुझे, तो इसको राउंड करने के लिए आप इसको एडिटेबल स्प्लाइन कर लीजिए। स्प्लाइन करने के बाद फिर इसके ये वाले एजेस को सेलेक्ट करके इसको कर लीजिए फिलेट, नीचे आता है फिलेट ऑप्शन, ये फिलेट कर लिया, ये देखो ऐसा राउंड हो गया। ये भी अभी कितना राउंड करना है, इतना करना है, इतना करना है कि पूरा राउंड करना है, तो पूरा कर दिया मैंने, ठीक है। तो फिर अभी इसको भी ऐसे नीचे कॉपी कर लिया इधर पे, कॉपी करने के बाद फिर इसको भी क्या कर दिया मैंने, मिरर कर दिया ऊपर की तरफ लाइक दिस, अभी इसको समझ लो मैंने एक कलर को ही दे दिया, जो वन कलर ये कलर, ठीक है। फिर जो ये लिया मैंने, जो राउंड ये सर्कल जो बनाया हो, अभी ये अलग से दिखना भी चाहिए, अभी तो ये लाइंस है ना, इसको रेंडरेबल स्प्लाइन कर लो, R4 रेंडरेबल स्प्लाइन। तो अभी ये थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको थिकनेस को मैं कर देता हूँ काफ़ी थोड़ा सा बारीक, और इसको थोड़ा अलग कलर दे देते हैं, यानी कि ब्लैक कलर दे देते हैं, ताकि ये अलग से दिखाई दे, ब्लैक कलर का बाउंड्री नज़र आए। तो अप्लाई कर दिया, ऐसा कुछ दिखेगा। अभी फिर क्या है कि अभी बस इसको कॉपी करो लाइक दिस, बस, ठीक है। बाकी मैंने इधर पे ये एस्ट्रा बन गया, तो उसको छोटा कर लेना ऊपर से थोड़ा सा, छोटा मीन्स स्प्लाइन जितना करना है छोटा उतना कर लो, बाकी तो बाउंड्री तो बना ही लेंगे जैसा बाउंड्री चाहिए, बाउंड्री अगर बनाना है तो ऐसे बाउंड्री बना लेंगे सीधा। एक और कॉपी चाहिए, वन मोर कॉपी, अब इसको अलग कलर देना तो जैसा चाहिए अलग कलर दे दो, ऐसा कुछ कर सकते हैं। फाइन, तो
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। pixiv.com, यहाँ मिलते हैं आपको 3D मॉडल, सीन फाइल, टेक्सचर और ट्यूटोरियल्स। और भी जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हो।